पुराने गांव में एक रहस्यमय बंगला खड़ा था जिसे लोग भूतिया मांसिल के नाम से जानते थे। गांव वाले इसे बच्चों को डराने के लिए कहते थे, लेकिन असल में उसमें दिलचस्प और खतरनाक रहस्य छिपा हुआ था। गांव के एक छोटे से लड़के का नाम रवि था, जो अजीब बातों में रुचि रखता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि भूतिया मांसिल में कोई आत्मा रहती है जो रात के समय महसूस होती है। रवि की रुचि तब और भी बढ़ गई और उसने अपने दोस्तों के साथ बंगले की तलाश में निकल पड़ा। रात के अंधेरे में रवि और उसके दोस्त भूतिया मांसिल की ओर बढ़ते हैं। जब वे बंगले के पास पहुंचते हैं तो उन्हें आवाज सुनाई देती है, कौन है वह जो मेरी खोज में आया है? दोस्तों का दिल धड़कता है, लेकिन रवि निर्भीक होकर आगे बढ़ता है। बंगले के अंदर रवि की नजरें एक विशाल दर्पण पर पड़ती हैं, जिसमें उसकी पूरी छवि दिखाई देती है। वह देखता है कि उसकी पूरी जिंदगी की घटनाएं वहां दिख रही हैं, जैसे कोई अद्भुत शक्ति उसे दिखा रही हो। उसकी नजरें एक आदमी पर रुकती हैं, जिसका चेहरा उसके पिता के समान होता है। रवि दंग रह जाता है और उसके दिल में डर का आभास होता है। वह अपने दोस्तों को बताता है, यह दर्पण हमें हमारी अगली किस्मत दिखा रहा है और उस आदमी की तस्वीर मेरे पिता की तरह है। दोस्त घबराते हैं और उन्हें लगता है कि वे भूतिया मांसिल से जल्दी बाहर निकल जाएं, लेकिन रवि के मन में उस दर्पण की छवि बिना बात के आती रहती है। उसके साथी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन रवि वही रुकता है। उसका मन उस आदमी की तस्वीर से जुड़ जाता है और उसे अनजाने संगीत की याद आती है जिसे उसके पिता बचपन में गाते थे। बंगले की वातावरण में एक अद्भुत शांति होती है और रवि का दिल ठंडी हवा की तरह बहने लगता है। वह जानता है कि वह आदमी उसके पिता की आत्मा है जो उसके साथ है, और उसका दर्पण उसे उसकी असली पहचान बता रहा है। वह जानता है कि वह अकेला नहीं है और उसके पिता की मौजूदगी उसे हमेशा के लिए सुकून देती है। वह अपने पिता के साथ एक आखिरी बार गाता है, तेरे बिना मैं अधूरा, तेरी यादों में खोया। इस रहस्यमय बंगले में रवि अपने पिता की आत्मा के साथ शांति पाता है और उसे यह आत्मसंवाद का एहसास होता है कि मौत सिर्फ एक द्वार है जो हमें एक नई जिंदगी की ओर ले जाता है। यह था वह बचपन की कहानी जो हमें यह याद दिलाती है कि अंधेरे में भी उम्मीद की किरणें होती हैं और रहस्यों से भरपूर जगहों में भी हमें अपने असली आत्मा का पता चलता है।